नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36 बाय 48 विथ फर्स्ट केस इज न्यूमरेटर एंड सेकंड केस इज डिनोमिनेटर। क्या कर रहे हैं आपको, क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है किसका, 36 बाय 48 का। ठीक है, आपको फ्रैक्शन दिया है 36 बाय 48, ठीक है, उसका आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है एक बारी न्यूमरेटर में चेंज करके। ठीक है, जो न्यूमरेटर में जिससे भी आप डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को, उसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। ठीक है, और एक बारी किससे करना है आपको, डिनोमिनेटर में चेंज करना है, जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर में चेंज करोगे उसी नंबर से आप किस में चेंज करोगे, न्यूमरेटर में। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो क्या है, 36 बाय 48। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन है, इसे हमें पहले किस में किससे करना है, न्यूमरेटर से। ठीक है, तो ऐसे करना है कि हमारा फ्रैक्शन क्या आता है, इक्विवेलेंट, जो न्यूमरेटर में भी आए वही फ्रैक्शन किस में आना चाहिए, डिनोमिनेटर में वाले केस में। ठीक है, तो 36 बाय 48 को करा मैंने, 4 से डिवाइड करा मैंने 36 को न्यूमरेटर को, तो 4 से डिवाइड करूँगा इस डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, जिस नंबर से न्यूमरेटर को डिवाइड करें उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 36 को किससे डिवाइड करा, 4 से, तो 36 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 9 36। वैसे ही 48 को डिवाइड करोगे 4 से कितना आएगा, 12। ठीक है, इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दोगे और लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दोगे कितना आ जाएगा, 3 बाय 4, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन कितना आ गया, 3 बाय 4। ठीक है, अब पार्ट बी में क्या करना है, डिनोमीटर में चेंज करना है, तो फ्रैक्शन हमारा यही है। ठीक है, इसी में एक बारी न्यूमीटर को से चेंज करा हमने, अब इसी केस में हम किससे करेंगे, डिनोमीटर से। तो डिनोमीटर को हमने किससे डिवाइड करा, 12 से डिवाइड करा, तो अगर डिनोमीटर को 12 से डिवाइड करा तो न्यूमीटर को भी हम किससे डिवाइड करेंगे, उसी नंबर से। ठीक है, जिससे आप न्यूमीटर को डिवाइड करोगे उसी नंबर से डिनोमीटर को, या जिस नंबर से डिनोमीटर को डिवाइड करोगे उसी नंबर से न्यूमीटर को। ठीक है, तो 36, अब मुझे कितना आ गया, पहले केस में मेरा कितना आया फ्रैक्शन, 3 बाय 4। अब मैं इस फ्रैक्शन को किस नंबर से डिवाइड करूँ न्यूमीटर और डिनोमीटर को, कि मुझे यही फ्रैक्शन मिल जाए 3 बाय 4। ठीक है, तो मैं से डिवाइड करूँगा 12 से, अगर 12 से डिवाइड करूँगा मुझे पता है कि 12 3 कितना होता है, 36, और 12 4 48। तो मैंने किससे डिवाइड करा इन दोनों को, एन और डी को, 12 से। ठीक है, अब 36 को 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3, 48 को 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3। ठीक है, कितना आएगा, 4। तो फ्रैक्शन हमारा कितना आ गया, 3 बाय 4। पार्ट ए में भी हमारा कितना फ्रैक्शन आया, 3 बाय 4। पार्ट बी में भी हमारा जो फ्रैक्शन आया कितना आया, 3 बाय 4। मीन्स दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, इक्विवेलेंट मीन्स जिनको कैंसिल आउट करके आपकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो कैंसिल आउट करके हमारे वैल्यू क्या आई, जब मैंने 4 से डिवाइड करा इस केस में तो भी मेरा फ्रैक्शन 3 बाय 4 आया, जब इस केस में मैंने इसको 12 से डिवाइड करा इसी फ्रैक्शन को तो भी मेरा फ्रैक्शन कितना आया, 3 बाय 4। तो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट, सब कुछ कैंसिल आउट करने का था, हमारा फ्रैक्शन क्या आ रहा, सेम। तो इस केस में भी 3 बाय 4 आ रहा और इस केस में भी हमारा फ्रैक्शन कितना आ रहा, 3 बाय 4। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में चेक करना है कि जो गिवन फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, दो इक्विवेलेंट के लिए हमेशा दो फ्रैक्शन होने चाहिए, कभी भी एक में आप इक्विवेलेंट जज नहीं कर सकते, कम से कम दो या दो मिनिमम दो या दो से ज़्यादा अगर फ्रैक्शन होंगे तो ही आप उसमें चेक कर सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, तो पार्ट ए में पहला फ्रैक्शन दे रखा 5 बाय 9 और सेकंड दे रखा हमें 30/54। ठीक है, तो दो फ्रैक्शन ये हमें चेक करना है, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट। ठीक है, मीन्स अगर उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे इसको भी और उसको भी, तो दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो वो तब ये दोनों फ्रैक्शन क्या कहलाए जाएंगे, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो पहला फ्रैक्शन हमारा कितना है, 5 बाय 9, सेकेंड हमारा क्या है, 30 बाय 54। ठीक है, तो कैसे करूँ उसको सेम, अगर इसको हमें इक्विवेलेंट बनाना है तो क्या करूँ, ये फ्रैक्शन ऐसे का, या तो इस नंबर, इन फ्रैक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ऐसे नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कि मुझे यही मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 30, तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 30 मिल जाए, वो है आपका 6। ठीक है, तो 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस फ्रैक्शन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से, तो 5 × 6। ठीक है, अब जिस नंबर से मैंने 5 को मल्टीप्लाई करा उसी नंबर से मैं 9 को मल्टीप्लाई करूँगा। न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर को तो डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 5 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे कितना आ गया, 30। अब 9 को भी उसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो 9 6 54, तो 30/54 आ गया। ये फ्रैक्शन हमें गिवन था, इस फ्रैक्शन को मैंने क्या बना दिया, 30/54। ठीक है, और सेकेंड फ्रैक्शन हमें कितना गिवन था, 30/54। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को मैंने कन्वर्ट कर दिया इसी फ्रैक्शन में, तो अब जो ये फर्स्ट फ्रैक्शन है ये भी कितना आ गया हमारा, 30/54, और सेकंड फ्रैक्शन भी हमारा कितना है, 30/54। अब ये दोनों फ्रैक्शन क्या हो गए, इक्विवेलेंट, हमें ये गिवन था, अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इसी में, अब तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या हो गए, सेम वैल्यू आ गई, तो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट, वैल्यू सेम है ना। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 30 है, डिनोमिनेटर में कितना है, 54,
यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना है 30 और डिनोमिनेटर में कितना है 54, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट, ठीक है। अब सेकंड केस में हमें दोनों दो फ्रैक्शन दिए हैं, एक 3/10 और एक 12/50। अब हमें बताना है दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं या नहीं, ठीक है, या कैसे बनाए इसे इक्विवेलेंट। यहाँ पे कितना 12 है, ठीक है, यहाँ पे कितना 50, तो मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, कि मेरा यहाँ पे 12 आ जाए, ठीक है, या मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 10 को, या मेरा नीचे यहाँ पे 50 आ जाए, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। आप चाहे ऊपर का नंबर सेम ला जाओ या नीचे का, ठीक है, मैं नीचे का नंबर ला रहा हूँ सेम, ठीक है। यहाँ पे कितना है 50 दे रखा है, तो मैं 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ डिनोमिनेटर को, कि मुझे यहाँ पे कितना मिल जाए 50। तो मेरा फ्रैक्शन एक था 3/4, एक 3/10 और एक 12/50, ठीक है। मैं तो इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहा हूँ इसी में, ठीक है, देखते हैं इक्विवेलेंट आते हैं नहीं आते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 50, तो इस 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, आपकी मर्ज़ी, चाहे आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो या डिनोमिनेटर को, ठीक है। अगर आपको डिनोमिनेटर सेम लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 50, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। अगर आप न्यूमरेटर को लाना चाहते हो सेम, तो न्यूमरेटर यहाँ पे कितना है 12, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ठीक है। अगर न्यूमरेटर को करोगे 4 से मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर को भी उसी से करोगे 4 से, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर को चेंज करना चाहते हो, तो जिस नंबर से आप इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, उसी नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो मैं चेंज किस में कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन हमारा कितना है 12/50, तो मैं फर्स्ट फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहा हूँ इसी फ्रैक्शन में, ठीक है। तो डिनोमिनेटर चेंज कर रहा हूँ, तो जो हमारे फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वो कितना 10 और सेकंड में कितना 50, तो मुझे फर्स्ट फ्रैक्शन को भी, जो डिनोमिनेटर उसको भी कितना लाना चाहता हूँ मैं 50, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 5 से, ठीक है। 10 को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा, तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 5 से, तो 3 × 5 का देगा, ठीक है, 3 × 5 आपका देगा 15, ठीक है। 3 × 5 कितना देगा आपको 15, और 5 × 10 क्या देगा आपको 50। ये तो सेकंड फ्रैक्शन हमारा चल ही रहा है, ठीक है। इन दोनों केस में क्या हो गया, डिनोमिनेटर तो हमारा सेम आ गया, पहले फ्रैक्शन में भी हमारा, सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 50 था, और जो फर्स्ट फ्रैक्शन में मैं चेंज करके भी हमारा डिनोमिनेटर कितना आ गया 50, ठीक है। डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा, लेकिन जो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो क्या आ रहा, अलग आ रहा है। यहाँ पे न्यूमरेटर 15 आ रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, जो गिवन सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना है 12, सेम नहीं है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी 30 था और डिनोमिनेटर कितना था 54, तो वही वैल्यू सेम सेकंड फ्रैक्शन में भी थी, उसका भी न्यूमरेटर 30 था और डिनोमिनेटर कितना था 54। लेकिन हमारे सेकंड वाले पार्ट में हमारा डिनोमिनेटर तो दोनों फ्रैक्शन का सेम आ गया, लेकिन जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो क्या आ रहा, डिफरेंट आ रहा। सो 3/10 एंड 12/15 आर नॉट इक्विवेलेंट। तो जो ये फ्रैक्शन है 3/10 और 12/50, ये क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो हमारा सेम आया, लेकिन जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। पार्ट सी, अब आपका जो फ्रैक्शन दे रखे हैं, आपको गिवन फ्रैक्शन दे रखे हैं, वो है आपका एक 7/13 और 5/11, ठीक है। आपके दो फ्रैक्शन है, आपको उसको क्या बनाना है, बताना है कि दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं, ठीक है। तो अब दोनों फ्रैक्शन क्या है, यहाँ पे जो इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है न्यूमरेटर की वो 7 है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 13। यहाँ पर इस फ्रैक्शन की जो न्यूमरेटर की वैल्यू 5 और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 11। दोनों क्या, जो चारों वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है, यहाँ 7 तो यहाँ 5 है, यहाँ 13 है, यहाँ पे 11 है, ठीक है। तो सारे क्या है, डिफरेंट वैल्यू, तो इनको सेम बनाने के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे क्या 11। अगर आप न्यूमरेटर को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर को चेंज करना चाहते हो, तो इस फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आप न्यूमरेटर वाले पार्ट को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करना है, इस न्यूमरेटर से ये दो पार्ट ऊपर नीचे एन और डी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इस वाले फ्रैक्शन में इस 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर से करना चाहते हो, तो इस फ्रैक्शन का जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर से इस सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है 11, उससे इस फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर से चेंज करना चाहते हो, अगर न्यूमिनेटर से चेंज करना चाहते हो, तो इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर से इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर से इस डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैं किससे चेंज कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर से, तो पहले मैंने इस फ्रैक्शन को इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा फ्रैक्शन था फर्स्ट फ्रैक्शन, तो मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, जो ये 11 है ये सेकेंड फ्रैक्शन का क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये 5/11 हमारा क्या है,
सेकंड फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इस 5/11 को मैं फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो 13 × 13, ठीक है। जिस चीज़ से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो उसी चीज़ से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो 7 × 11 क्या देगा, 77, और 13 × 11 देगा आपको 143, ठीक है। वैसे 5 × 13 देगा आपको 65, और 11 × 13 देगा आपको 143, ठीक है। एक केस तो हो गया हमारा, डिनोमिनेटर तो दोनों केस में क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। लेकिन जो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट है। इस केस में न्यूमरेटर 77 आ रहा है, इस केस में हमारा न्यूमरेटर क्या आ रहा है, 65, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, दोनों 7/13 एंड 5/11 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बिकॉज द न्यूमरेटर पार्ट इन बोथ द फ्रैक्शन आर डिफरेंट। जो न्यूमरेटर पार्ट है बोथ द फ्रैक्शन वो क्या है, डिफरेंट। इस पार्ट में, इस केस में जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो कितना हमारा 77, और इस वाले फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो कितना है, 65। दोनों डिफरेंट है, डिनोमिनेटर सेम है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही होता है जिसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम हो, और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए, तो फ्रैक्शन हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपल फॉर्म, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो फ्रैक्शन दिया आपको उनको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में मीन्स ये होता है, अगर वो फ्रैक्शन कैंसिल आउट हो सकता है और तो आप जितना कैंसिल कर सकते हो उतना आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या है, 48/60, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है 48/60 को सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो 48 के फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48। तो 48 को मैंने उसके क्या प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया, इसके प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। वैसे 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पर कितने 2 हैं, 2, तो इस 2 2 से ये 2 2 2 कैंसिल, ठीक है। इस 3 से ये 3 कैंसिल। अब क्या क्या बचा है, यहाँ पे 2 2 बचे हैं और 1 5 बचा है, तो 2 × 2 = 4 और 1 5 नीचे डिनोमिनेटर में, तो 5, ठीक है। तो जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके 48/60 का सिंपल फॉर्म में जो हम लिखेंगे वो कितना आ जाएगा, 4/5, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड फ्रैक्शन है वो है हमारा 150/60, ठीक है। इनको भी किस में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो 150 के फैक्टर क्या है, 3 × 5 × 10, 3 × 5 = 15 और 5 × 10 = 150, ठीक है। 3 × 5 = 15 और 15 × 10 के देता है आपको 150, ठीक है। 150 को हमने एक्सपेंड कर दिया। वैसे 60 को हम कैसे लिखते हैं, 2 × 3 × 10, 2 × 3 = 6, 6 × 10 = 60, ठीक है। अब जो जो नंबर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 3 है, डिनोमीटर में भी 3 है, न्यूमीटर में भी 3 है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है। न्यूमीटर में 10 है, डिनोमीटर भी 10 है, तो इस 10 से ये 10 कैंसिल। अब जो जो नंबर बच गए, कौन सा बचा, एक 5 न्यूमीटर से और डिनोमीटर से क्या बचा है, 2, तो आंसर क्या आपका 5/2। तो ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इस फ्रैक्शन को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 5/2, ठीक है। अब पार्ट सी में आपका क्या फ्रैक्शन दिया है, 84/98, ठीक है। तो इसको हम रिड्यूस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 14, ठीक है। 14 को भी आप एक्सपेंड कर सकते हो 2 × 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसमें भी 14 आता है, इसलिए मैंने यहाँ 14 तक छोड़ दिया, ठीक है। इसको आगे एक्सपेंड नहीं करा मैंने। तो 2 × 3 × 14, 2 × 3 = 6, 6 × 14 = 84, ठीक है। वैसे 98 को भी किस में, 7 × 14, 7 × 14 भी क्या देता है आपका, 98, ठीक है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट में कौन कौन से नंबर जो सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 14 है, न्यूमरेटर में भी क्या 14, तो 14 से 14 कैंसिल, ठीक है। ऊपर का बचा 2 × 3 और नीचे का बचा 7, तो 2 × 3 का देगा 6 और नीचे का है 7। तो जब आपका 84/98 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो वो क्या आएगा, 6/7, ठीक है। वैसे पार्ट डी में आपका फ्रैक्शन क्या है, 12/52, ठीक है। 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 3, ठीक है। 52 को कैसे लिखते हैं हम, 2 × 2 × 13, क्योंकि 2 × 2 क्या होगा, 4, 4 × 13 क्या देता है आपको, 52, ठीक है। यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर का बचा 3 और नीचे क्या बचा, 13। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 12/52 का वो क्या है, 3/13, ठीक है। नाउ ई पार्ट, आपको फ्रैक्शन क्या दिया है, 7/28, ठीक है। अब ऊपर तो 7 है, तो 7 तो ऐसे ही रहेगा। अब 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 7, ठीक है। क्योंकि 7 का कोई प्राइम फैक्टर्स होता नहीं है, ठीक है। या तो 7 को आप लिखते हो 7 × 1, ठीक है, वो 7 ही देगा। तो 28 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 7, ठीक है। यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, इस 7 से 7 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचा 2 × 2, ठीक है।
तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 टू जा 4। तो 7/28 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कैसे लिख आएगा, कैसे लिखोगे आपसे 1/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, रमेश हैड 20 पेंसिल, शीलू हैड 50 पेंसिल एंड जमाल हैड 80 पेंसिल। आफ्टर 4 मंथ्स रमेश यूज अप टू 10 पेंसिल, शीलू यूज्ड अप टू 25 पेंसिल एंड जमाल यूज्ड अप टू 40 पेंसिल। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप? चेक इन ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हिज पेंसिल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, रमेश के पास 20 पेंसिल है, शीलू के पास 50 पेंसिल है और जमाल के पास 80 पेंसिल है। ठीक है, आफ्टर 4 मंथ्स 4 महीने के बाद रमेश ने अपनी 20 पेंसिल में से 10 पेंसिल यूज़ कर ली है, वैसे ही शीलू ने 50 पेंसिल में से कितनी पेंसिल यूज़ कर ली है 25, वैसे जमाल ने जमाल के पास 80 में से 40 पेंसिल यूज़ कर ली है। ठीक है, आपको बताना है कि हर इंडिविजुअल का फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, यूज़ पेंसिल का फ्रैक्शन क्या है बताना है। ठीक है, रमेश का भी, शीलू का भी और जमाल का भी। ठीक है, और बताना, चेक करना है कि तीनों का जो फ्रैक्शन आ रहा है क्या वो इक्विवेलेंट है, मीन्स अगर तीनों के फ्रैक्शन की जो लोएस्ट फॉर्म में जो वैल्यू आएगी वो सबके सेम आ गई तो इन तीनों का फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, क्या होगा, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो रमेश टोटल पेंसिल कितनी है इस पे? ठीक है, टोटल पेंसिल कितनी थी 20, अब पेंसिल यूज 10। ठीक है, टोटल रमेश का टोटल पेंसिल कितनी थी 20 और कितनी यूज़ ये कर ली उसने 10, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा पेंसिल यूज़ का 10/20, जितनी यूज़ करी अपॉन टोटल पेंसिल। ठीक है, यूज़ कितनी करी उसने 10 और टोटल कितनी थी उसमें 20, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 10/20, 0 से 0 कैंसिल, फ्रैक्शन कितना आ गया 1/2। ठीक है, वैसे शीलू के पास टोटल पेंसिल कितनी थी 50। ठीक है, पेंसिल यूज्ड कितनी पेंसिल यूज़ करी उसने 50 में से 25, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यूज्ड पेंसिल अपॉन टोटल पेंसिल। ठीक है, कितनी यूज़ करी अपॉन टोटल पेंसिल, ये यूज पेंसिल है और टोटल पेंसिल कितनी थी 50, तो यूज पेंसिल अपॉन टोटल पेंसिल। ठीक है, तो कितना है 25/50, इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 25/25, 25/2 50, इसका भी फ्रैक्शन कितना आया 1/2। ठीक है, अब जमाल, जमाल के पास टोटल पेंसिल कितनी थी 80 और पेंसिल यूज्ड कितनी है 40, कितनी पेंसिल ने यूज़ करी वो है 40 और जो टोटल पेंसिल थी वो कितनी थी 80, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा पेंसिल यूज़ का, वो पेंसिल यूज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेंसिल, कितनी पेंसिल यूज़ करी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेंसिल, तो कितनी पेंसिल यूज़ करी उसने 40 और टोटल पेंसिल कितनी थी 80, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, इसका भी फ्रैक्शन कितना आ गया 1/2, रमेश का भी फ्रैक्शन कितना आया 1/2, शीलू का भी फ्रैक्शन कितना आया 1/2 और जमाल का भी फ्रैक्शन कितना आया 1/2। तो इन तीनों का जो फ्रैक्शन है वो क्या है, तीनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि तीनों की जो वैल्यू आई फ्रैक्शन की वो कितनी आई कैंसिल आउट करने के बाद सबकी सेम आई। रमेश की भी फ्रैक्शन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है वो आया 1/2, शीलू का भी 1/2 आया और जमाल का भी कितना आया 1/2। सो ऑल दिस 3 आर इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तीनों हैं जो ये सारे तीनों किस में हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 9, मैच दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। ठीक है, आपको करना है, आपको फ्रैक्शन दे रखा है और आपको उसके सामने का बताना है कि कौन सा उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, ये आपको फ्रैक्शन दिए हैं और इसके सामने रैंडम आपको फ्रैक्शन दिए, तो कौन सा नंबर को कौन सा अल्फ़ाबेट मैच कर रहा है आपको बताना है। फर्स्ट का कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, सेकंड का कौन सा अल्फ़ाबेट मैच करेगा, वैसे थर्ड का कौन सा अल्फ़ाबेट मैच करेगा जो उसकी वैल्यू होगी एग्जैक्ट कौन सा, इसे कैंसिल आउट करके हमें कौन सी, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म रिड्यूस कर देंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, इस साइड हमें वो ऑप्शन दिए। ठीक है, तो कौन सा बेस्ट मैच करेगा वो हमें बताना है। ठीक है, जब फर्स्ट फ्रैक्शन था हमारा था वो 250/400। ठीक है, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, इस जीरो से एक, जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ बचा 25, यहाँ बचेगा 40। ठीक है, तो 5 5 = 25 और 5 8 = 40, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आया 5/8। ठीक है, इसको रिड्यूस करके 250/400 को रिड्यूस करके हमारा फ्रैक्शन कितना आया सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/8। अब हम देखेंगे इस साइड वाले में अल्फ़ाबेट में से कौन सा अल्फ़ाबेट 5/8 वाली वैल्यू दे रहा है, तो वो कौन सा ऑप्शन है डी, तो 5/8 वाली वैल्यू कौन सी दे रहा है डी पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है फर्स्ट का डी 5/8। ठीक है, सेकंड है हमारा 180/200 फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ बचेगा 18 और यहाँ बचेगा 20,
टू नाइन जा 18 और टू टेन जा 20, ठीक है। तो हमारे इसको 180 अपॉन 200 को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके हमारी वैल्यू कितनी आई, 9/10, ठीक है। अभी 9/10 आया, अब देखेंगे हम इस साइड में कि कौन सा इसको बेस्ट, कौन सा अल्फ़ाबेट इसको, कौन सा बेस्ट ऑप्शन इसको मैच कर रहा है, ठीक है। तो 9/10 देखेंगे कौन सा है, 9/10 किस में आ रहा है, ई पे। तो जो सेकेंड है उसका आंसर कितना है, ई, ठीक है। इसको भी रिड्यूस करके हमें कितना है, 9/10, और इस साइड भी जो ई है जो इसको मैच करके आंसर आ रहा है वो कौन सा है, ई पार्ट वाला, ठीक है। ई पार्ट वाला भी फ्रैक्शन, ई पार्ट वाला का आंसर भी कितना है, 9/10, ठीक है। वैसे थर्ड फ्रैक्शन है हमारा 60 अपॉन 990, ठीक है। तो इस जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ बचा 66, यहाँ बचेगा 99, ठीक है। 11 6 जा 66, 11 9 जा 99, ठीक है। फिर 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके कितना है फ्रैक्शन, 2/3। अब ये 2/3 कौन से ऑप्शन में है वो देखना है। तो ये जो 2/3 है कौन से ऑप्शन में है, ए, जो ऑप्शन ए है उसका जो फ्रैक्शन की वैल्यू वो भी कितनी है, 2/3। तो पार्ट थर्ड का जो आंसर है वो है, क्या है आपका, ए, ठीक है, क्योंकि ए ही आपको दे रहा है 2/3। वैसे पार्ट फोर में आपकी जो फ्रैक्शन है वो आपका है 180 अपॉन 360, तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो हमारा इसको रिड्यूस करके, इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा क्या बना है फ्रैक्शन, 1/2। अब 1/2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, वो दे रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जो आंसर, जो पार्ट फोर है इसका जो ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका, पार्ट सी, ठीक है। तो इस, क्योंकि पार्ट सी ही हमें क्या दे रहा है, 1/2, और इसको भी रिड्यूस करके हमारी जो वैल्यू आई वो भी कितनी आई, 1/2। और वही वैल्यू कौन से ऑप्शन में है, 1/2 में, कौन से में, पार्ट सी में, ठीक है। ऐसे पार्ट फिफ्थ हमारा जो वो है हमारा 220 अपॉन 550, ठीक है। इस जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ बचा 22, यहाँ बचेगा 55, ठीक है। तो 11 2 जा 22 और 11 5 जा 55, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके कितना है, 2/5। अब हमें देखना है इस पार्ट का कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो जो 2/5 वैल्यू आई, सेम ऐसी वैल्यू कौन से ऑप्शन में मिल रही है हमें, वो पार्ट बी में, ठीक है। जो इसको रिड्यूस करके हमारा क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में इस फ्रैक्शन में क्या बना हमारा, 2/5। अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन सेम वैल्यू दे रहा है 2/5, तो 2/5 कौन सा दे रहा है, कुल ऑप्शन बी। सो पार्ट फिफ्थ का जो आंसर है वो है पार्ट बी, ठीक है।